friends and my dear NEET aspirants, today we are going to start the next topic, that is Hersey and Chase experiment. तो Hersey and Chase experiment ने साफ तौर पे ये बता दिया कि DNA ही genetic material होता है. इससे पहले हमने किया था Griffith experiment. तो Griffith experiment ने भी बताने की यही कोशिश की थी कि DNA ही genetic material होता है. लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट उस एक्सपेरिमेंट से कन्विंस नहीं हुए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से सभी साइंटिस्ट कन्विंस हो गए थे और ये पक्का प्रूफ भी आ गया कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. इन 1952 हर्से एंड चेज इन दोनों ने एक बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट किया. तो व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? एनी वायरस विच किल बैक्टीरिया. कोई भी वायरस जब किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उसको किल कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. जैसे हम ये कहें कि जो हमारी होली गंगा रिवर है उसका पानी कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक वायरस है, बडिलो वायरस. तो वो वायरस जो है लगातार बैक्टीरियाज को मारता रहता है और किल करता रहता है, तो इसलिए पानी जो है वो खराब नहीं होता. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. ओके, तो यहां पर हर्से एंड चेज ने T2 नाम का एक बैक्टीरियोफाज लिया. आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, कैसे इन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिसका डीएनए हो गया. ये है बैक्टीरियोफाज, तो यहां लिखेंगे हम बैक्टीरियोफाज. और इस बैक्टीरियोफाज को, इस वायरस को हम क्या करेंगे, एक सल्फर 35 मीडियम के अंदर इसको डाल देंगे. S35 ये होता है रेडियो एक्टिव सल्फर. तो इस मीडियम में डाल देंगे तो S35 क्या करेगा, इसके प्रोटीन कोट को लेबल्ड कर देगा बेटा. इसे इट लेबल्ड द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस. क्लियर, वेरी इजी. उसके बाद क्या करेंगे, हम करवाएंगे इन्फेक्शन. अब इस वायरस को हम डाल देंगे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर. सपोज कीजिए बेटा ये बैक्टीरिया है और इसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया. ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है. तो ई कोलाई बैक्टीरिया पे हमने इसको इन्फेक्ट करा दिया. तो इसका इन्फेक्शन बेटा ऐसे होता है, इसका प्रोटीन कोट जो था वो लेबल्ड था. तो कई सारे वायरस बेटा इसको इन्फेक्ट करते हैं, सेम दैट इज T2 बैक्टीरियोफाज. और बेटा ये इसका है डीएनए, तो इस डीएनए कॉपी जो है वो इसके अंदर आ जाती है. तो सपोज कीजिए एक कॉपी ये आ गई डीएनए की यहां पे, है ना, और एक कॉपी डीएनए की ये आ गई है, ये लीजिए. तो अब ये कहेंगे दिस इज द डीएनए ऑफ वायरस, डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफाज और वायरस. बिल्कुल इजी है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो प्रोटीन कोट को हमने लेबल्ड किया था, वो अभी आउटसाइड में ही है, आगे क्या गया है सिर्फ डीएनए. उसके बाद हम क्या करवाते हैं बेटा, यहां पे कराएंगे ब्लेंडिंग. अब ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या है कि ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड कराते हैं. और अब ये वायरस जो इसके सरफेस पे है वो अलग हो जाएगा, है ना. तो अलग हो जाएगा मान लीजिए, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो तरह का फ्रैक्शन नजर आएगा, एक तो होता है सुपरनेटेंट, एक होता है पैलेट. तो अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया के अंदर जो ब्लेंडिंग कराई बेटा, तो ब्लेंडिंग से जो अपर सरफेस पे जो वायरस था ये सिर्फ प्रोटीन कोट, क्योंकि प्रोटीन कोट तो आगे ट्रांसफर हुआ ही नहीं, वो सरफेस पे था,
और वो हल्का भी इससे, तो हल्के का मीनिंग ये हुआ यहाँ पर कि जो हल्की चीज होती है ना, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो आपको ऊपर नजर आएगी। यहाँ पर ये देखिए, तो वो जो हल्की चीज थी, अब हल्की यहां पर क्या हुआ, प्रोटीन कोट, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। अब प्रोटीन कोट बेटा यहां पर आपको लेबल्ड नजर आया, ये लेबल्ड था ये प्रोटीन कोट, है ना। और जो नीचे यहां पर ये पैलेट था जिसके अंदर बच्चों हमारा सारा का सारा डीएनए इकट्ठा हुआ है, यहां पे सारा सेल्स है और यहां पे डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, ओके, और वायरस का डीएनए यहां पर प्रेजेंट है, वायरल डीएनए। तो यहां पर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आई, नो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूज भी कराया है ना, आफ्टर ब्लेंडिंग हम क्या करवाते हैं इसको, इस पूरे मिक्सर को करवाते हैं बेटा हम सेंट्रीफ्यूज। तो अब इसे जो कॉपी बनेगी बेटा वायरस की, जो यहां पे कॉपी नजर आएंगी, मान लीजिए अब जो डीएनए ट्रांसफर हुआ था नेक्स्ट जनरेशन में इस बैक्टीरिया के अंदर, तो यहां पर बिल्कुल देखिए यहां पे नो रेडियो एक्टिविटी। तो इससे ये साबित हो गया कि जो है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए को लेबल्ड नहीं किया तो आगे डीएनए लेबल्ड नहीं मिला। तो एक और बैक्टीरियोफाज इन्होंने लिया, ये लीजिए टीटो बैक्टीरियोफाज, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये लीजिए। और इस जो ये वाला बैक्टीरियोफाज है बेटा, इसको हमने डीएनए को लेबल्ड कर दिया, तो ये रहेगा यहां पर जो है डीएनए लेबल्ड विद फॉस्फोरस 32, ये भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फॉस्फोरस 32 एक ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, तो अब यहां पर वही सेकंड स्टेप जैसे वहां पे हुआ था इन्फेक्शन, तो वो करवाएंगे। तो बेटा ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इसके ऊपर हमने इस वायरस का इन्फेक्शन कराया, मान लीजिए ये मैंने आपको दो कॉपी दिखाई है जो इन्फेक्शन कॉज कर रही है, और इनके अंदर जो डीएनए है बेटा वो क्या है, वो लेबल्ड है, ठीक है। अब वो डीएनए कॉपी कहां आ गई है, वो सपोज कीजिए वो डीएनए कॉपी इसमें आ चुकी है इसके अंदर, तो इस वाले वायरस की कॉपी ये आ गई है और इसकी कॉपी बेटा ये आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट हुआ जो हमने उधर किया, यहां पर उन्होंने बेटा ब्लेंडिंग कराई हर्षे एंड चेज ने, तो ब्लेंड के बाद जो ये वायरस था बेटा इसको सेपरेट करने के लिए, जब ये सेपरेट हो गया तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फ्रैक्शन नजर आया बेटा, ठीक है ना, फ्रैक्शन जो बना तो ऊपर वाले पोर्शन के अंदर यहां पे हमने क्या देखा कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर, क्योंकि इस पोर्शन में सिर्फ क्या प्रेजेंट था यहां पर, प्रोटीन कोट था बेटा, प्रोटीन कोट, और हमने लेबल्ड किसको किया है, डीएनए को, तो डीएनए को लेबल्ड किया है। डीएनए कहां मिलेगा आपको, ये सेल्स होते हैं यहां पर बैक्टीरियल सेल्स, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल सेल्स, और वायरल डीएनए यहां पर बेटा जो ये था वायरल डीएनए, और जो सेल्स थी तो वो यहां पे रेडियो एक्टिव मिली हमारे को, रेडियो एक्टिविटी यहां पर हमें दिखाई दी, यहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं नजर आई क्योंकि नीचे डीएनए था, डीएनए को लेबल्ड किया ही नहीं, यहां पर डीएनए को लेबल्ड किया तो रेडियो एक्टिविटी डीएनए में ही नजर आई। तो बेटा इससे क्या हमें प्रूव हो गया इस बात से कि जो डीएनए है रियली में
डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, नेक्स्ट जेनरेशन के अंदर डीएनए ही ट्रांसफर होता है। अब देखिए, मैंने प्रोटीन कोट को यहां पर लेबल्ड नहीं किया, तो यहां पर प्रोटीन कोट इस ट्यूब के अंदर, इसको हम बोलते हैं सुपरनिटेंट, दिस इज कॉल्ड सुपरनिटेंट, ठीक है। तो यहां पर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, नेगेटिव था बेटा ये, और जो रेडियो एक्टिविटी थी वो सिर्फ डीएनए में थी, क्योंकि डीएनए को ही लेबल्ड किया है, तो डीएनए में ही रेडियो एक्टिविटी हमें दिखी। तो इससे ये बेटा प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू ऑल।